वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज। बचपन से जिसे गोद में खिलाया, जिसके साथ बचपन में खेले, जिसके साथ बचपन से ही गलियों में ही घूमे, बड़े होकर उसी से निकाह कर लेते हैं ये लोग। ये सोच कितनी गंदी हो सकती है और ये सोच यहाँ पर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, आपको इस खबर से पता लग जाएगा। यहाँ फकीर मोहम्मद हुसैन ने ये अपनी ही बच्ची के साथ, छोटी से बच्ची के साथ बार बार रेप किया और उस पर निकाह का ही दबाव बनाता रहा। मतलब इनकी सोच रहती है कि ये बचपन से ही जिसके साथ खेलते हैं, जिसको बहन बहन बोलते हैं, उसी से निकाह कर लेते हैं और अब ये अपने बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे। जी हाँ, फकीर मोहम्मद हुसैन ने ऐसा कांड किया या फिर ऐसा काम किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। गुजरात के देवभूमि द्वारका में फकीर मोहम्मद हुसैन सुमुलिया पर अपनी ही नाबालिग बेटी के रेप का आरोप लगा है। हुसैन पर यह भी आरोप लगा है कि उसने अपनी बेटी को अपने साथ निकाह करने का दबाव बनाया। पीड़ित नाबालिग है जिसकी उम्र 12 साल की बताई जा रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के आरोपी अब्बा ने कहा है कि ये काम नशे में धुत होकर किया गया है। आरोपी इससे पहले भी अपनी बेटी पर खुद से निकाह करने का दबाव बना चुका है। आपको बता दें, साथ ही मोहम्मद हुसैन ने पहले भी कई बार अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची की मां ने इसकी शिकायत यहां पर थाने में की। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फकीर मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उस पर पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 12 और 18 के साथ सेक्शन 354 और 506 IPC के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं खांबालिया DSP नीलम गोस्वामी ने न्यूज 18 को बताया है कि इस घटना से देवभूमि क्षेत्र में सभी लोग हैरत में है। मामले की जांच की जा रही है और जो भी इसमें शामिल होता है और जो भी इसका साथ देता था, उन सभी को दबोचा जाएगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।